यूपी के मेरठ में पत्थर चले। मेरठ के शादी कार्यक्रम में सांप्रदायिक तनाव इस तरह बढ़ गया कि पहले शुरू हुई मारपीट अगले दिन पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। बारात निकली तो इस कदर पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को पूरा इलाका छावनी में तब्दील करना पड़ गया। रिपोर्ट। छत पर मौजूद कुछ लोग सकरी गली की तरफ पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थर इतने बड़े हैं कि कैमरे में साफ साफ नजर आ रहे हैं। छत से पत्थरों की यह बरसात इतनी भीषण है कि वीडियो को रोके बिना इन पत्थरों की गिनती संभव नहीं है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली से महज 95 किलोमीटर दूर मेरठ से सटे रसूलपुर की है, जहां मॉनसून के इस मौसम में पत्थरों की बारिश हो रही है। जिस घर से गली की तरफ पत्थरबाजी हो रही है वहां बारात मौजूद है। कुछ देर बाद ही बारात पर पुष्प वर्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही बारातियों पर पत्थर बरसने लगे और शादी वाले घर में संगीत की बजाय लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। छत से पत्थर बरस रहे हैं तो इसी घर के गेट पर मौजूद भीड़ बारात को सड़क पर ललकार रही है। बारातियों की तरफ से भी बचाव में कुछ लोग जवाबी पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन छत से हो रही लगातार पत्थरों की बरसात के सामने नहीं टिक पाते। बताया जा रहा है कि मामला अलग अलग संप्रदाय से जुड़ा है। जब दूल्हे सचिन की बारात दूसरे संप्रदाय के लोगों की गली से निकल रही थी, तभी यहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। दरअसल इस पत्थरबाजी के तार शादी में एक रात पहले हुए कार्यक्रम से जुड़े हैं। रसूलपुर में शादी की रात विवाद शुरू हुआ था। डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि रात को ही दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था, लेकिन अगले दिन जैसे ही सचिन की बारात मुस्लिम मोहल्ले की गली से गुजर रही थी, तो दूसरा पक्ष रात की रंजिश को अंजाम देने के लिए बारातियों पर पथराव करने लगा। छत से जिस तरह लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, उससे साफ है कि पत्थरबाजी की तैयारी पहले से कर ली गई थी। इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात हो गए, जिसे काबू करने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ी रसूलपुर में पहरा दे रही है। दूल्हे के पिता ने दूसरे पक्ष पर पथराव और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। डीजे बजाने को लेकर के और महिलाओं के डांस को लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसमें दूसरे समुदाय के पक्ष के द्वारा इसमें मारपीट और पथराव की घटना की गई, जिसमें थाना फलौदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। साथ ही रसूलपुर में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया। Zee न्यूज़।